घटना गुना के 15 किलोमीटर दूर गोपी सागर बांध की है, जहां दो छात्र डूब गए। दोनों छात्र अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने डैम पहुंचे थे। उनके डूबने की सूचना मिलते ही रुठियाई चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंची। वहीं एसडीआरएफ और टीम ने मिलकर ढूंढने का काम कर रही है छात्रों को। बता दें कि डैम का एक गेट खोला गया था, जिसको 10 सेंटीमीटर खोला गया था, लेकिन घटना होने के बाद से डैम को फिर से बंद कर दिया गया। वहीं इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कादिर खान जुड़ चुके हैं। कादिर खान जी, अभी क्या क्या परिस्थिति है वहां के? जैसा कि हम देख सकते हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है, क्या बच्चे मिल पाए हैं? खबर में तो नीतीश ये पता चला था कि उनका सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, अभी दोनों नाबालिगों का पता कुछ भी नहीं चला था सर। और क्या हुआ था सर कि वो दोनों डूब गए उसमें? क्या आखिर क्या हुआ था वहाँ पे? आसपास लोगों से आपने पूछा कि कैसे वो दोनों उसमें डूब गए? ये घटना दोपहर 3:30 बजे के आसपास की है, जब एक छात्रों का दल गोपी कृष्ण सागर डैम पर दोस्तों के साथ में अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। उसी बीच एक विष्णु भील नाम के लड़के ने पानी में उतरकर कुछ चहलकदमी करने के सोचा। इसी बीच डैम के गेट खुले होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, तैरना नहीं आता था, तो वो डूबने की स्थिति में हो गया। इसी बीच दूसरा दोस्त का साथी ध्रुव, जो कि उसको बचाने गया, तो वो भी डूब गया था जी। उसको भी तैरना नहीं आता था जी। हाँ जी। और ये जो राहत बचाव के लिए डीआरएफ मौके पर, ये टीम जो पहुंचे मौके पर, एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, और जिसने भी क्या बोलते हैं बच्चे जिस दर्शियों ने देखा था, उन सब ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, तो संबंधित थाना रुठियाई और अपने यहाँ के धनावदा थाना प्रभारी, ये सारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद कादिर खान जी। एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे दोस्त, और वहाँ पे चहलकदमी करने के दौरान दो दोस्त आप डैम में गिर जाने की वजह से डूब गए हैं, जिसकी राहत और बचाव कार्य एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है।